दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बौखलाए चीन ने भारतीय सेना पर लगा सिक्किम क्षेत्र में घुसपैठ का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, नरेंद्र मोदी और मैं सोशल मीडिया के वैश्विक नेता हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया महान प्रधानमंत्री। यूपी में 100 दिन पूरे होने पर योगी आदित्यनाथ की घोषणा, 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाएगी सरकार। मुंबई में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर पानी भरा, देरी से चली लोकल ट्रेन। यूपी में रायबरेली के एटोरा बुजुर्ग गांव में जमीन विवाद में 5 लोगों की हत्या, 3 को जिंदा जलाया। राजधानी दिल्ली के ओखला इलाके में गैस सिलेंडर में विस्फोट से कम 5 लोगों की मौत, 4 अन्य घायल। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार मीरा कुमार ने कहा, जाति नहीं विचारधारा के आधार पर लड़ रही हूं चुनाव, साबरमती आश्रम से शुरू करेंगी चुनाव प्रचार। आतंकवाद पर भारत और अमेरिका की पाकिस्तान को नसीहत, पठानकोट और 26/11 हमले के साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करें। भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी का न्योता स्वीकारा। अमेरिका ने कहा, रासायनिक हमले की एक और योजना बना रहा है सीरिया। सेरेना विलियम्स का जॉन मैकेनन पर पलटवार, कहा मैं गर्भवती हूँ, मेरी निजता का सम्मान करें। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।